बीएसटीसी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जारी हो चुकी है। प्रिय साथियों, अब इसके बाद में आपके सामने क्या परेशानी आ सकती है, इसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको इस परेशानी के समाधान को पहले ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के बाद में भी बहुत से साथियों ने इस गलती को किया, जिसके बाद में उनको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में आपको बता देते हैं कि जैसे ही आप अपने रोल नंबर और काउंसलिंग सीरियल नंबर डालेंगे, तो इसके बाद में हो सकता है कि आपके सामने कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ना आए और सीधा फीस का चालान आए और आपसे कहा जाए कि आप पहले फीस भरिए, इसके बाद में आप कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर प्रिंट कर पाएंगे। ऐसी समस्या फर्स्ट काउंसलिंग में आई थी, उसका प्रूफ भी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। यदि कॉलेज अलॉटमेंट फीस ऑनलाइन भरनी पड़े या चालान से भरें, किसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इसकी चर्चा भी आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ऑनलाइन फीस भरते समय भी आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसमें आपको बता दें, यदि फीस भरने के बाद भी आपका फाइनल सबमिट ना हो या फाइनल सबमिट के बाद भी आपका चालान जनरेट ना हो, तो आप क्या करें। ऐसे में बहुत से परीक्षार्थी घबरा जाते हैं और बार बार कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए इन समस्त समस्याओं का सामना आप करना पड़े और किसी प्रकार की समस्या आपको ना आए, इसके लिए आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, जैसे ही आप होम पेज पर जाकर के और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसको क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इसमें आपसे रोल नंबर, काउंसलिंग सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि भरने के लिए कहा जाएगा। आप यहां रोल नंबर, काउंसलिंग सीरियल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो इसके बाद में हो सकता है कि आपके सामने कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ना आकर के कुछ इस तरह की विंडो खुल सकती है, जिसमें आपसे कहा जाए कि 13,555 रुपये की जो फीस है वो पहले आप जमा कराएं, जब तक फीस जमा नहीं करवा देते तब तक आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट नहीं कर सकते। बकाया जो फीस जमा करवाने के लिए कृपया जनरेट चालान पर संपर्क करें, फीस जमा करवाने के पश्चात ही अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करें। ऐसी कुछ विंडो भी आपके सामने खुल सकती है, जिसमें आप कॉलेज अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करें, इससे पहले आपके सामने इस प्रकार का जो पॉपअप विंडो है वो खुलकर आ सकती है। साथियों, जैसे ही आप जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का चालान दिखाई देगा, जिसमें आपसे इस प्रकार से आपकी जो राशि है वो प्रिंट होकर के और आ जाएगी, और आप इस चालान को लेकर के सीधा किसी भी जो ब्रांच है बैंक की, जो इसमें बताई गई है ज़्यादातर ICICI बैंक की ब्रांच ही होगी, तो उसमें जा कर के और आपको ये जो बकाया फीस है वो जमा करानी होगी। साथियों, इस संबंध में आपको हम पहले ही बता दें, यदि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ना आकर के इस प्रकार का कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको नहीं मिले और सीधा ही आपके सामने फीस भरने के लिए कहा जाए, तो आप सीधा फीस फिलहाल ना भरें, कल तक के लिए वेट करें, क्योंकि कई बार सर्वर में मिस्टेक के कारण भी ऐसा हो जाता है, जिसे BSTC में भी और PTT में भी दोनों में ये परेशानी देखने को मिली थी, और तुरंत कुछ घंटों बाद ही ये समस्या दुरुस्त हो जाती है। आप BSTC की मेल पर इस संबंध में मेल जरूर कर दें, सीधा ही चालान जनरेट होने पर सीधा फीस ना भरें। और अगली बात यह है कि जब आप ऑनलाइन फीस भरें और आपके फीस फाइनल सबमिट होने के बाद इस प्रकार का चालान आपके सामने जनरेट होकर के नहीं आए, तो भी आपको किसी भी प्रकार से घबराने आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार फाइनल सबमिट ही नहीं हो पाता और कई बार फाइनल सबमिट होने के बाद भी चालान जनरेट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा वेट करें और BSTC को मेल करके ज़रूर सूचित कर दें। इसके अलावा भी यदि प्रॉब्लम आई तो इसकी अलग से पेमेंट की हेल्पलाइन नंबर भी अलग से खोल दी जाती है। ऐसे में आप बिल्कुल भी असहज महसूस ना करें, थोड़ा धैर्य बना के रखें और बिल्कुल सर्वर पे एक साथ लोड होगा, जिसके चलते ऐसी स्थिति आ सकती है, तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको सचेत रहना है। और ऑनलाइन पेमेंट करते समय ऐसी परिस्थिति आती है तो आप हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथियों, अब आपको सीधा फीस भरने के बाद में कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना है। कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने अनिवार्य हैं,
कौन से डॉक्यूमेंट जो यदि रह जाते हैं और आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आप किस प्रक्रिया को अपनाएं जिससे आपका एडमिशन निरस्त नहीं हो। क्योंकि साथियों 119 साथियों के इस संबंध में एडमिशन निरस्त हो चुके हैं, आपका एडमिशन निरस्त नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके संबंध में हमारी इस सीरीज़ की जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथियों PTT और BSTC सीरीज़ की जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप एक भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। क्योंकि साथियों ये राजस्थान के PTT और BSTC के छात्रों को समर्पित चैनल है। जैसा आप लगातार रिजल्ट से अब तक देख पा रहे हैं, हम आपकी प्रत्येक अपडेट को सबसे पहले आप तक ले जाने का प्रयास करते हैं और आपके कमेंट के आधार पर समस्या का समाधान का प्रयास भी करते हैं। आज के इस पार्ट में साथियों बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में रिपोर्टिंग के दस्तावेज देखना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।